अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा फैंटास्टिक, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ 200 से अबव जो है कैमरा के प्रोफेशनल प्रीसेट शेयर करूंगा, जो कि आप लोग आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर यूज करके अपनी पिक्चर्स की लुक को काफी ज्यादा फैंटास्टिक, काफी ज्यादा यूजफुल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट पोस्ट करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, यहां पर आप लोग वाच कर सकते हैं 200 से अबव जो है, 219 जो है मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, इंडोर एडिटिंग, आउटडोर एडिटिंग, कलर लुकअप की प्रीसेट, कैमरा की प्रीसेट, काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो गाइस, अगर आप लोग अडोब फोटोशॉप की लर्निंग कोर्सेज करना चाहते हैं, फ्री के अंदर करना चाहते हैं, स्किन की रीटचिंग वगैरह, जितनी भी अडोब की आप प्रोफेशनली पिक्चर्स वॉच करते हैं, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग वॉच करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर जरूर जो है मिलेंगी। तो गाइस, आप लोग अपने ये मेरे चैनल को जो है फुल रिव्यू करें, इंशाल्लाह आप लोगों को काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, जो कि आप लोग वॉच करके अपनी फोटो एडिटिंग को मजीद अच्छा कर सकते हैं। तो 219 वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, और जो है आज 91 जो है वीडियो है जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पोस्ट कर रहा हूं। तो गाइस, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बार बार इसलिए मांगता हूं कि यहां पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, 219 वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं और यहां पर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ है होती है कि अगर आप लोगों का प्यार चाहिए हो ना, तो यहां पर आप लोग अपना प्यार जो है इजहार किया करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को विदाउट सब्सक्राइब मत वॉच किया करें, क्योंकि यार मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ, जो कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सर्च किए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि कैमरा सेटिंग के ऊपर है, इंडोर आउटडोर कैमरा सेटिंग के ऊपर प्रोफेशनली जो है मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट बार बार फिर वही बात की क्यों मांगता हूँ कि गाइज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना हौसला अफजाई किया करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है कि जो कि सब्सक्राइब नहीं करती, विदाउट सब्सक्राइब वीडियो वॉच करते हैं और चले जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ्री के अंदर चीज़ें डाउनलोड करके अपना जो है काम निकाल लेते हैं। तो गाइज, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, जस्ट वन क्लिक होगा और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूंगा आप लोगों को उस चीज का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहां पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये विनर का फाइल है, इसे जो है मैं आप लोगों को बाद में गाइड करूंगा, और इसको डाउनलोडिंग का मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इसे आप लोग किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग वन क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूं और आप लोगों को डाउनलोडिंग का मेथड बताऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा ऑडियंस है जिनको डाउनलोडिंग के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर जो है मैं अपने डाउनलोड लिंक को ओके कर देता हूं। तो गाइस, इस तरह के इंटरफेस आप लोगों के सामने देखने को आ जाएगा। अच्छा, तो डाउनलोडिंग का जो मेन मेथड है वो आप लोगों को ये बताऊं कि कोई भी ब्राउजर आप ओपन करते हैं, जैसे कि मोबाइल के अंदर ऑलरेडी आपका साइन इन हुआ होता है गूगल क्रोम, ठीक है, और कंप्यूटर के ऊपर जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपका जो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है या ओपेरा मिनी है, तो आप उसके अंदर जो है अपने गूगल अकाउंट को लाजमी साइन इन किया करें, क्योंकि साइन इन करके जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ईजी वे के मेथड के साथ हो जाएगी। यहां पर देख सकते हैं मेरा एक अकाउंट जो है साइन इन है, और यहाँ पर जो है 3 फोल्डर्स हैं, 200 से अबव हैं, इनके अंदर अलग-अलग कैटेगरी के ये प्रीसेट हैं, आउटडोर के हैं, लाइट हैं और नाइट के हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग का जो मेथड है आप लोग वन क्लिक करके, यहाँ पर जैसे कि मैं एक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डाउनलोडिंग के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं मुझे बोलेगा कि आप लोगों ने एनीवे के अंदर जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग करनी है। ये देखिए 3 फोल्डर्स हैं और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और डाउनलोडिंग होके वो सेम इस तरह का जो है आप लोगों के सामने कलेक्शन आ जाएगा, प्री सेट का कलेक्शन। अब जो है हमें इसको एक्सट्रीट करना है, ये बुक्स जो है ऐसे शो होंगी। अगर किसी भाई की ये बुक शो नहीं हो रही तो ये विनर का सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा फिर बाद में इसको एक्सट्रीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग गूगल से फ्री के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जो है मेरे पास प्रीसेट आ चुके हैं, यहां पर मैं इसे इस साइड पर ड्रॉप कर लेता हूं और इससे जो है एक्सट्रीट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक्सट्रीट फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर ओके किया, यहां पर मेरे सामने फोल्डर बन के आ चुका है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर फोल्डर के अंदर आप लोग वॉच कर सकते हैं, 3 जो है यहां पर आप लोगों को फोल्डर मिल रहे हैं कि जो कि अलग-अलग सी कैटेगरी के हैं, जो कि आप लोग अपने कैमरा के अंदर
कर इंस्टॉल कर सकते हैं इजी वे के मेथड के साथ, ठीक है। एक प्रीसेट को, एक फोल्डर को मैंने एक्सट्रीट की है, विनर की फाइल को, कलेक्शन को, और यहाँ पर मुझे तीन जो है डिब्बे देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोग अपने अडोब फोटोशॉप के कैमरा के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को रिव्यू दिखा दूंगा। ये 225 हैं, ये अलग-अलग से मैंने इसलिए किए हुए हैं कि आप लोगों को ईजिली गाइड कर सकूँ। 225 जो है ये कैमरा के प्रीसेट हैं जो कि आप लोग लाइटरूम के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीसेट का जो फोल्डर है आप लोगों को यहाँ पर रिव्यू दिखा रहा हूँ कि ये जो है आप लोग इजीली कैमरा के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो आज सैंपल के तौर पर पिक्चर्स है वो ये पिक्चर्स है, इसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस पिक्चर्स के मैंने थोड़े से हेयर सेट किए थे, थोड़ी सी स्किन की ट्यून इसलिए पहले सेट कर ली है कि आप लोगों को मुश्किल ना आए, वीडियो थोड़ी सी शॉर्टकट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, क्योंकि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी मेहनत को जो है ना आप लोग सपोर्ट नहीं करते, जो कि मैं आप लोगों का बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करता हूँ, हर चीज़ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करता हूँ, जो कि लोग पैसे लेते हैं, कहते हैं ये पेड चीज़ें हैं, ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं, तो वो रोज़ कोई ना कोई चीज़ को वहीं पर ला के खड़ा कर देते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को डेली बेसिक पर कुछ न्यू ही देखने को मिलेगा। तो गाइस सपोर्ट ज़रूर किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर मत वॉच किया करें प्लीज़। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम इसे फोटोशॉप के अंदर जो है आ जाते हैं। फोटोशॉप के अंदर मैं अपनी फ़ोटो को भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये सैंपल के तौर पे मेरी फ़ोटो थी। और यहाँ पर जो है मैं फ़िल्टर के अंदर जाऊँगा, कैमरा के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस मुझे देखने को मिल जाएगा कैमरा का। और यहाँ पर जो है मैं लास्ट के ऊपर जो है ये टूल्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो है इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्ट प्रीसेट पर फाइल है और यहाँ पर जो मैंने फोल्डर एक्सट्रीट किया था वो ये फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर साथ बीबीसी स्टूडियो वन को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी आ गया। अब दूसरे को सेम इसी मेथड के अंदर जो मैं अप्लाई करूँगा, फोल्डर नंबर टू ये भी यहाँ पर शो हो रहा है, इम्पोर्ट प्रीसेट फोल्डर नंबर थ्री। तो गाइज ये तीन जो है फोल्डर मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब इनका रिव्यू का टाइम है, रिव्यू करके दिखाऊंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। कोई कलर्स हैं जिनकी जो ब्राइट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, कुछ कलर्स हैं जिनकी ब्राइट काफ़ी ज़्यादा लो है, तो आप उनको एडजस्ट भी कर सकते हो ईजी वे के मेथड के साथ, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज वीडियो के अंत तक ज़रूर आप लोगों ने वॉच करना है। तो यहाँ पर जो है वर्जन वन ने देखें, ये जो है क्लाउडी टाइप है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो है अलग-अलग से यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी और सैंपल पिक्चर्स के ऊपर यूज़ करूँ तो उनके अंदर भी अलग-अलग से जो है यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हमारे सामने शो हो के आएगी, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक है, जो कि आप लोग इनडोर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर जो है आउटडोर के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी हैवी हैवी लाइट्स हैं इसके अंदर, हैवी हैवी कलर ग्रेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट ही लुक जो है हमारे सामने प्रीव्यू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर फोल्डर नंबर टू के अंदर चलते हैं, फोल्डर नंबर टू के अंदर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, नाइट कलेक्शन है, नाइट पिक्चर्स के ऊपर भी आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर एक फोल्डर जो है नाइट पिक्चर्स के, जो कि आप लोग अपने नाइट पिक्चर्स के ऊपर जो है नाइट जो के रात को जो आप लोगों ने पिक्चर क्लिक की हो, पीछे बुके शुके हों और आपके फेस के ऊपर प्रॉपरली लाइट जो है अर्न हो रही हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, और ये जो है मैं आप लोगों को आउटडोर के ऊपर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे आ जाते हैं, ये देखें डे लाइट, ये सारे जो हैं डे लाइट के हैं, जितनी भी ये प्रीसेट हैं डे लाइट की हैं, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल लाइट है, ये सारी जो है डे लाइट की हैं। ऊपर वाला जो फोल्डर था फोल्डर नंबर टू, वो सारी रात वाली कैमरा की प्रीसेट थी, यानी कि रात को अगर आप लोग शूट करते हैं किसी एरिया के ऊपर इनडोर के अंदर, तो आप लोग ये जो है उस चीज़ को जो है फोल्डर नंबर टू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फंटेस्टिक 2022 के लेटेस्ट जो हैं ये प्रीसेट हैं, जो कि बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी अच्छी सी यहाँ पर जो है लाइट जो है हमारे सामने प्रीव्यू हो रही है, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक जो है ना काफ़ी हार्ड लाइट यहाँ पर शो हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वाइटिंग थी, जैसे कि ये लाइट है सन लाइट, ठीक है। इसे जो है मैं यहाँ पर एडजस्ट के अंदर जाऊँगा, बेसिक के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा लो करूँगा, तो ये देखें आपके सामने पिक्चर्स की थोड़ी सी जो है लुक बन के आई है, ठीक है। इसी तरह जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये देखें मिड ट्यून है, काफ़ी अच्छे से ब्राउन ब्लू है, और ये जो है गाइस मैंने आपको इस पिक्चर्स के ऊपर चेक करवाए हैं। अभी जो है मैं एक और पिक्चर्स को ओपन करता हूँ, एक और प्रोफेशनल पिक्चर्स को ओपन करता हूँ, तो वो आप लोगों को रिव्यू दिखाता हूँ।
अच्छा तो गाइज मैंने पिक्चर्स ओपन कर लिए इसके अंदर, जहाँ पर जो है मैं कैमरा के अंदर फिर चला जाता हूँ और कैमरा के अंदर इस पिक्चर्स के ऊपर भी रिव्यू दिखाऊंगा। वो कैनन की पिक्चर थी या नाइकोन कैमरे की पिक्चर्स है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से फंटेस्टिक लुक जो आएगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पिक्चर्स को जूम कर लूँ, थोड़ा सा जूम आउट करूँ कि आप लोगों को ईजिली मैं गाइड कर सकूँ। और यहाँ पर 33 के ऊपर जो है मैंने पिक्सल रख लिए हैं, यहाँ पर इसके डाउन भी 25, ठीक है, अराउंड 25। और यहाँ पर देखें वर्जन 1 कितनी अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर प्रीव्यू हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट क्लाउड, ये देखें, ये देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी सी लुक जो है यहाँ पर प्रीव्यू हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई सात बीबीसी स्टूडियो फोल्डर नंबर 1 ने। फोल्डर नंबर 2 ये नाइट के लिए, रात के लिए, ये वो के आप लोग नाइट पिक्चर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिंग है, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी अच्छी अच्छी सी यहाँ पर प्री सेट आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये जो है नाइकोन कैमरे की पिक्चर है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी सी प्रोफेशनल लुक जो है यहाँ पर प्रीव्यू कर रहा है। ये देखें इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने स्किन की रिटचिंग करनी है, हेयर सेट करनी है और इनके ऊपर यूज़ कर लेने हैं, ये देखें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से इसे मैं जो है फिट इन व्यू करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखें कितनी अच्छी सी, ये देखें ब्लैक नेचुरल लाइट, ठीक है। ये भी कितनी अच्छी फंटेस्टिक पिक्चर जो है बन के आई है आप लोगों के सामने, ठीक है। मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस काम करने से काम होते हैं, अगर आप लोग मेहनत किया करें, पिक्चर्स को बार बार देख के एडिटिंग किया करें, अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम ठीक नहीं होती आप दूसरी दफ़ा फिर उसके ऊपर मेहनत करें, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप लोग बार बार मेहनत करेंगे, आप फोल्डर नंबर 3 के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें डाउन डैडी लाइट दिखें, सारी लाइट्स इसके अंदर जो है, इसकी लाइट की जो है मर्चिंग बनी हुई है कि जो आप लोग यूज़ करके अपनी फोटो एडिटिंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। वर्जन 11, वर्जन 10 यहाँ पर जो है देखें, इसके नेम भी साथ जो है नेचुरली कलर्स हैं, ये देखें ये नेचुरल कलर्स के अंदर कितनी अच्छी सी लुक जो है हमारे सामने प्रीव्यू कर रहा है। तो गाइस ये मेरी जितनी भी कैमरा की वीडियो है उन सब में से सबसे बेस्ट जो है ये वीडियो है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी मज़े की है, यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं प्रीमियर प्रोफेशनली जो है यहाँ पर मैंने प्री सेट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये देखें ये काफ़ी अच्छे अच्छे फंटेस्टिक जो है समर के हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, अलग अलग सी कैटेगरी के यहाँ पर जो हुआ है फिल्टर हैं, आप लोग इनको इंडोर आउटडोर दोनों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो ज़्यादातर इनको आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर यूज़ किया है। ये वो प्रीसेट हैं जो अभी तक मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर नहीं थे किए। तो आज शेयर करने का मकसद ये था कि आज आप लोगों के दिल से ना जो बोला है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार। आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इससे मुझे मोटिवेट होना चाहिए गाइज कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो, गाइज अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते फिर मैं क्या कह सकता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर किया करें चैनल को, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करता। यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट का भी उन्होंने प्रोफेशनल कलर्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का एक सवाल होता है कि भाई इसके ऊपर पासवर्ड, इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है, जस्ट आप 1 क्लिक के अंदर आप लोगों ने डाउनलोड करना है और कैमरा के अंदर इंपोर्ट करना है और अपने पिक्चर्स के ऊपर यूज़ करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।